अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का 31वां स्थापना दिवस बहुत भव्य रूप से एक होटल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश युवा अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि प्रदेश युवा मंत्री सोनू वर्मा, पूर्व विधायक सरेनी अशोक सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर संगठन की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद शकील विमलेश मिश्रा द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों के हित में किए जा रहे कार्यों से प्रेरित होकर संगठन से व्यापारी जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए जगजीवन राम शुक्ला, राकेश मिश्रा, रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन के संरक्षक आलोक श्रीवास्तव, जिला योजना समिति के सदस्य पुष्पा यादव, अंग प्रत्यारोपण में सहयोग करने वाली संस्था के लिए दीपेंद्र सिंह, कारगिल युद्ध में देश की सेवा करने के लिए कारगिल योद्धा सरनाम सिंह को मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। प्रदेश युवा अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करने वाला एकमात्र संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, वरिष्ठ जिला महामंत्री संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। गीतकार सत्येंद्र कुमार, संदीप जैन, शबाब अली द्वारा सुंदर गीतों को प्रस्तुत किया गया। संदीप मिश्रा की रायबरेली से रिपोर्ट। और इसी के साथ में हमारे साथ उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति जी, इनसे भी एक सवाल पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसपे कि आपको जिंदाबाद कहा जाए। देखिए, जो हमारा यहाँ पे व्यापारी का पहले उत्पीड़न होता था, चाहे हम प्रशासन के माध्यम से कह लीजिए, चाहे लोग गुंडागर्दी के माध्यम से कह लीजिए, कि जहाँ पे सवाल रोकते चलेंगे उत्पीड़न हो रहा था। कल ही एक व्यापारी की गोली मार दी गई। देखिए, कल अगर व्यापारी गोली मारी गई उस पे हमारा होगा, हमको ये थोड़ी पता है कि पहले से क्या हो रहा। लेकिन जब हम लोग की व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग होती है, हम लोग एसपी के सामने सवाल उठाएंगे, हम लोग की पीस कमेटी की बैठक होती है, हम लोग थाने में कराएंगे। हाँ, उसकी जाँच होगी, अगर उसमें वो व्यापारी गलत पाया जाता तब उसको वहां पे हो जाएगी, लेकिन अगर गलत नहीं है तो उसके खिलाफ हम लोग, चाहे प्रशासन के खिलाफ जाना पड़े, चाहे किसी के खिलाफ जाना पड़े, हमारा व्यापारी उठ के खड़ा होगा, जाएगा। अच्छा, व्यापारियों के लिए क्या काम किया? व्यापारियों के हित के लिए अभी आप देखिए कि पूरा यहाँ पे अगर आप पूरे शहर में देखेंगे, बिजली की जो समस्या थी उसको लेके गिराव किया गया, जीएसटी विभाग की जो समस्याएं थी उसको लेके करा गया, कि 2018 के बाद से व्यापारियों का जीएसटी के विभाग से लगातार नोटिस पे नोटिस जारी हो रही थी। 18 और 19 वाली जितनी नोटिस थी दी गई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नगर पालिका में कितने लोग जो थे उसमें एडाप में जो यहाँ पे भर्ती थे, जो यहाँ पे काम नहीं करते थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया गया है कि जो भर्ती हो रहे काम कर रहे। अगर हम देखें जो व्यापारियों का अगर स्टेशन पे या कहीं पे भी जो सुविधा नहीं थी, या हम एक चीज बताइए हमको, सिविल लाइन में 31 सालों के बाद स्थापना दिवस को सिविल लाइन में अटके बार हुआ, कम से कम 250 व्यापारी परिवारों को ध्वस्त कर दिया गया। इस पे उस समय मौके पर आपका संगठन कहाँ था? देखिए, वो जो मामला था वो ट्रस्ट का और उसका मामला था, उस पे भी जांच चल रही है, उस पे ज्ञापन ना पहुंचा था। नहीं, संगठन वहां नहीं पहुंचा था, क्यों? 250 परिवार ध्वस्त कर दिए गए व्यापारियों के, व्यापारी बन थे और उस वक्त संगठन में कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। नहीं नहीं, देखिए वहां पे जब गया था, लेकिन वो जो था उसमें प्रशासन था, हम लोगों ने हाई लेवल तक के वहां काम किया हुआ। अभी वो जमीन जो ट्रस्ट की जमीन है उस पे भी जांच चल रही है, उस पे उन व्यापारियों बात पे कर रहा हूँ, जांच चल रही है, कार्यवाही हो रही है, जो है अलग बात है, जांच की अलग बात है। व्यापारी के बारे में, जो व्यापारी वहां से हटाए गए, इनको हटा दिया गया, रात में भगा दिया गया, उनके बारे में संगठन आज तक कोई भी आवाज उठाई, आज तक की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों का व्यापारी भी वहां पे गया था, उसके पहले भी नोटिस दी गई थी वहां पे, ठीक है, तो सभी व्यापारियों की, लेकिन आपके संगठन ने कभी आवाज आज तक उठाई जाए? नहीं नहीं, उस समय अगर देखिए, अगर हम किसी एक को अगर निशाना बना के करें, ये छोड़िए उसको, ये बात हो रहा है, कुछ जो सवाल होते हैं ना प्रदेश स्तर के सवाल होते हैं। दूसरा सवाल पे आते हैं, जनपद में जब अयोध्या के मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सलाटर का जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनका कारोबार को बंद कर दिया गया, वो कारोबारी व्यापारी थे आपकी निगाह में या नहीं थे? देखिए, सलाटर हाउस को अगर बंद करा जा रहा है तो उससे साथ में जुड़े छोटे व्यापारी, देखिए अभी आपने सलाटर हाउस का बोला, लेकिन सलाटर हाउस तो वास्तव में जो अवैध चल रहा है उनको बंद होना ही चाहिए। हम कोई अवैध कार्य कर रहा होगा, व्यापारी मंडल हमारा मंडल उसके साथ नहीं है।
जो अगर हम सलाटर हाउस कर रहे हैं यहाँ पे गौ हत्या कर रहे हैं उसके भी उसके खिलाफ नहीं, गौ हत्या हम लोग उसपे इस गौ हत्या कोई कर रहा है तो हम लोग उसके खिलाफ भी चले जाएंगे। नहीं साहब इसको करने दीजिए। इस तरह देखा जाए तो जनपद में जितने भी ये मटन या चिकन की दुकानें हैं लगभग 95% जो दुकानें अब मतलब अवैध हैं। देखिए जो अवैध थी उसी के तहत ही उस पर कार्रवाई करी गई है। यहाँ पे अगर हम देखा जाएगा तो जितने भी जनपद में या आप प्रदेश में भी आप देखते हैं कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं जो पुलिस के आगे पकड़ के चोर जो बचा है सिपाही नहीं ये तो भाई बिल्कुल सही बात। इसके पहले भी बोला जा रहा था अगर वहां पे कार्य नहीं किया गया वहां पे साफ साफ बोला गया था पहले भी कोई खुले में मीट नहीं काटेगा कोई खुले में ऐसा नहीं करेगा लेकिन अगर उस पर नहीं हुआ 100% कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह सकते हैं आपके व्यापारी ऐसा करते हैं खुले में ही बेचते ऐसा कह सकते हैं भाई? बिल्कुल है जहाँ पे भी है आप देखें नियम कानून को सब लोग पर्दा लगा के तभी करते हैं और जो वैध है वही जानवर काटे जा रहा है वैध जानवर नहीं काटे जा रहा है। जो ये मीट और मटन की दुकानें हैं क्या यहाँ पे पर्दा लगा के ढक के और उससे जो भी नियम कानून उसके अनुसार काटे जा रहे हैं? देखिए जो अभी जैसे यहाँ पे था पहली चीज तो ये खुले में बिल्कुल नहीं काटा जा रहा है। अभी जैसे कि बकरीद में भी था हम लोगों ने सब में जब यहाँ पे पीस कमेटी की भी बैठक हुआ था उसमें भी बोला गया था कि जो वैध है खुले में अगर हम देखेंगे तो आपके पास एक भी ऐसा नहीं आया होगा कि कोई भी बकरीद में या कहीं पे भी खुले में लोगों ने काट दिया हो। इतना बड़ा त्यौहार था उन लोगों का राष्ट्रीय पुराने नेता जी है हमारी जनता जानती है यहाँ पे कि यहाँ पे मटन और चिकन किस तरह दुकानों पे खुलेआम टांग के बेचा जाता है। जिसको देखना है वो कुछ दुकानों पे जाके जहाँ पे बेचा जाता है वहां जाके खुलेआम दे सकते हैं। लेकिन हम नेता है तीसवा स्थापना दिवस मना रहे कहें तो क्या कहें। आनंद भारत से संदीप मिश्रा रिपोर्ट। मैं संदीप मिश्रा जागरी शहर के एक होटल में हूँ। यहाँ पे व्यापारियों का 31वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ एक है कि आखिरकार 31 साल में इन व्यापारी संगठन ने खासतौर से राजधानी जनपद में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काम कर दिया जिससे कि जनता क्या कि हाँ व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो हम इससे बात करेंगे। भाई साहब नाम क्या आपका? संदीप शोला। कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया जिले के अंदर जिससे कि आपको कहा जाए जिंदाबाद? देखिए ऐतिहासिक काम हम अपने मुंह से खुद ये नहीं कहते हैं। चाहे वो जेल में हमारी महिला कैदी हो उनको प्रशिक्षण के नाम पर ब्यूटी पार्लर का वहाँ पर एक कोर्स कराने के लिए हम लोगों ने जेल में बनवाया है। ब्यूटिशियन को हट रखे गए हैं जब महिला कैदी वहाँ से। लेकिन जेल के कैदी व्यापारी कैसे हो गए? व्यापारी हमने व्यापारियों की बात की है, स्पेशल व्यापारी जो व्यापारी दुकान करते हैं जिनका व्यापार है उनके बारे में बताइए। व्यापारियों के हित के लिए तो संगठन है ही है। व्यापारियों के हित के अलावा भी हम लोग काम उनके हित में क्या काम व्यापारी हित में अगर व्यापारियों की कोई समस्या आती है कहीं से किसी व्यापारी ने फोन किया या व्यापारी कोई कहीं रास्ते में फंस गया है किसी शिकार हो गया है तो उसमें हम लोग पुलिस को सहायता देते हैं। अभी कल लूट है उस पर लूट में हम लोगों ने इसके साहब से मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उस पर पर्दाफाश होगा। चलिए मैं सताऊ व्यापारी अजब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद घोसी है। मैं नगर महामंत्री हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। व्यापार क्या आपका? मेरा व्यापार जो है पोल्ट्री का है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा आप ही के व्यापार से जुड़े हुए कुछ लोगों का व्यापार बंद है चल रहा है सालों का? दरअसल मेरा व्यापार नहीं बंद है, मेरा व्यापार चल रहा है और क्योंकि ये छोटा है और जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं उससे हम लोग कोई दूर तक लेना देना नहीं है। नहीं कोई व्यापारी नहीं थे? नहीं व्यापारी है लेकिन चूंकि सेक्टर चेंज है जो की आपका सवाल जहाँ जा रहा है वो सवाल हमसे बिलोंग नहीं करता। मतलब व्यापारी नहीं है वो मार्केट व्यापारी? देखिए व्यापारी अलग हो गया और व्यापार में सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे साथ वैध लाइसेंस की और लाइसेंस ना होने के बिना पर व्यापार बंद है। लाइसेंस ना होने से कुछ व्यापार बंद है। व्यापार बारे में बात में चर्चा करके हमारे साथ में नगर अध्यक्ष जी से पूछते हैं उनका कहना है कि जो है लाइसेंस के लिए व्यापार बंद है। क्या पूरे जनपद में शहर में सभी व्यापारियों का लाइसेंस है? किस चीज का लाइसेंस की बात कर रहे हैं? जो भी व्यापार कर रहे हैं उनके लाइसेंस जैसे उनका ना व्यापार का लाइसेंस नहीं है व्यापार बंद है तो क्या सबके पास लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस में जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं हमारे जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उसके बाद एक उसकी सीमा है कि सालाना कितने रुपए का अगर व्यापारी बिजनेस करेगा तो उसके रजिस्ट्रेशन में छूट है। वो व्यापारी भी व्यापार कर रहा है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हुए वो अपनी जो सरकारी लिमिट है व्यापार की। अरे पटरी दुकानदार जो है उसका व्यापारी नहीं मानते? मैं व्यापारी मानता हूँ क्यों नहीं मानता हूँ? वही बात हो रही तो अगर उनका कहीं व्यापार बंद चल रहा सालों से साल भर से तो उनके व्यापार में क्या व्यापारी उनके लिए हमेशा संघर्ष करता है। व्यापार मंडल
उनकी कोई समस्या होती तो उसको सुना जाता है। आपके महामंत्री जी कह रहे हैं कि जो है अलग बात की जाएगी। अच्छा क्या अब तक क्या जो है जन समस्या बात की आपकी? जन समस्याएं सब निराकरण हो रहा है व्यापार मंडल के माध्यम से। अच्छा मतलब व्यापार मंडल के माध्यम से ये सड़कें बन रही है जो व्यापार मंडल के माध्यम से टूटे ही व्यापार मंडल के माध्यम से है। व्यापार मंडल के माध्यम टूटे ही बन रही है? नहीं बन रहे तो बनी देखो दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? धरातल पे सभी से चीजें चल रही है। किसी भी व्यापारी कोई समस्या हम लोग संगठन के माध्यम से मंडल के माध्यम से निराकरण कराते हैं। देखिए वही बात है कि अपने संगठन की बुराई कोई नहीं करता है, बात साफ है। कहना है कि मैं संगठन के और व्यापारी हित की बात करता हूँ। शहर की सड़कों का हाल सबको पता है। यही व्यापारी संगठन इसी मंच पे कहा कि सड़कें खस्ता हाल है, कुछ नेताओं ने अपने बयान में भी कहा, लेकिन अब बात घुमाते फिराते आ रही है। इसी के साथ अपना 21वां स्थापना दिवस मनाते हुए व्यापारी हर्षोल्लास से अपने घर पर जा रहे हैं। आर9 भारत से संदीप मिश्रा रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला संरक्षक महेंद्र अग्रवाल। मैन जी 31 साल तक कोई भी संगठन द्वारा ऐतिहासिक कार्य नहीं हुआ? देखिए ऐतिहासिक कार्य रोज हो रहे हैं, लेकिन आपने पूछा है तो हमारे मंडल द्वारा अभी भामाशाह जयंती का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 जून को जो है उन्होंने घोषित किया है, ये बहुत बड़ी सफलता है व्यापारियों की कि सबके लिए नहीं। देखिए एक कार्य जो आपने पूछा ये बहुत बड़ा, उसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और की है। उन्होंने कहा जो युद्ध जनक हर जिले में जहां भी नोडल अधिकारी है अपर पुलिस अधीक्षक के, उसमें हर महीने एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर सब व्यापारी को बुलाकर उनकी सुरक्षा की बात की जाएगी। नहीं अभी ये 30 घंटे मीटिंग अलग चीज है, लेकिन जो है ये अपर पुलिस अधीक्षक में वो अपनी पर्सनल जो है बैठक बुला के व्यापारी समस्याओं को समाधान करेंगे, ये हमारे उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये बहुत जल्दी जो है ये होने वाली। मेरा नाम संदीप जैन है, मैं संरक्षक हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। संदीप जी 31वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिले में कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो आपके व्यापार मंडल द्वारा हुआ? देखिए हम लोग लगातार व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आप मुझे मौका दीजिए बोलने का, आपने सवाल किया है जवाब भी सुनने का अवसर आप दीजिए। हम लोगों को सामने रोज नई समस्याएं आती हैं और रोज नई समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं व्यापारियों के लिए। आज हमारे जिले में प्रभारी मंत्री आई हुई है, उनको पिछली बार भी हम लोगों ने जो समस्याएं गिनाई थी उनमें से कुछ समस्याएं दूर नहीं हुई, उनको फिर से उनको याद दिलाया गया है। और रही बात ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक हर व्यापारी का जो अपना व्यक्तिगत कार्य होता है वो उसके लिए ऐतिहासिक होता है। हमारे लिए हो सकता है वो कम ज्यादा महत्व का हो, लेकिन जो भी कार्य होते हैं वो लगातार हम लोग हर तरह से करवाते रहे। इस समय सड़क हमारे जिले की, ये शहर की लगभग सभी सड़कें बहुत खस्ता हाल है। उनको आज की अगर हम बात करें तो आज उनके लिए पूरा ज्ञापन दिया गया है। नगरपालिका से संबंधित कई काम ऐसे हैं जो नहीं किए नगरपालिका ने व्यापारियों के, उनको लिखित रूप में उनको दिया गया है और हम लगातार विभिन्न मंचों से मांगे उठाते रहे और सीधे सीधे नगरपालिका के नहीं नगर विकास मंत्रालय में सीधे हम लोगों ने शिकायत की जिससे कि वो समस्याएं दूर हो। और इसका भी मुद्दा हम लोगों ने व्यापारी के साथ में लूट हुई है उसका बकायदा फोटो में और पिछले 10 दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई है उनका सबका पूरा बंच बना के उनको दिया गया है कि यहाँ के पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की जो कार्यवाही वो ठीक नहीं है। चाहे लालगंज की घटना हो, चाहे नसीराबाद की घटना हो, चाहे और भी घटनाएं हो, रोज यहाँ चोरी छिनैती हो रही है और पुलिस की बिल्कुल कोई जो कार्य प्रणाली है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पर सख्ती करने की आवश्यकता है और सख्ती के साथ में यहाँ बदलाव की आवश्यकता है जिसके लिए हम लोगों ने प्रभारी मंत्री के माध्यम से आज कहा है। हम बदलने का मतलब ये है कि उनकी कार्यशैली बदले, चाहे आर्मी बदले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो ये रोज रोज की घटनाएं हो रही हैं इन पर लगाम लगनी चाहिए, व्यापारियों में जो भय व्याप्त है वो दूर होना चाहिए चाहे जिस भी प्रकार से हो। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का 31वां स्थापना दिवस था, उसके मौके पर प्रदेश के सभी और देश के सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे बंसल जी, संदीप बंसल जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनके अथक प्रयासों से व्यापारी दिवस घोषित हुआ और प्रदेश में सभी
मंडलों ने व्यापार दिवस मनाया। जिले की बात है तो यहाँ पे जो समस्या है व्यापारियों की जो है उनके लिए क्या क्या हुआ? देखिए हमारा 31 साल जी हमारा मंडल और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अतुल गुप्ता जी लगातार व्यापारियों के हित में कार्य कर रहे हैं। जो भी जनहित की समस्याएं व्यापारी की समस्याएं होती है हम पूरी ताकत लगा के उसको हल कराने का पूरा पूरा कार्य करते हैं। देखिए एक तो मैं 31 साल का नहीं हूँ लेकिन जानकारी तो बिल्कुल मैं 31 साल की रखता हूँ और मंडल की जानकारी पूरी रखता हूँ। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको गिनाया जा सकता है और गिनाएंगे ऐसा गिनाने में मैं मानता हूँ शायद ग्रंथ लिख दूँ मैं लिखूँ मेरे मंडल द्वारा इतना कार्य हो चुका है कि शायद उसका एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। सरल भाषा में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लगभग सारे व्यापारी के जितने भी कार्य होते हैं वो सब कराए जाते हैं व्यापार मंडल द्वारा। अतुल कुमार गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। इस बार पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल अपना 31वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहा है। पहले हम लोग इसी 3 सितंबर को व्यापारी दिवस और स्थापना दिवस एक साथ मनाते थे लेकिन प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारियों की मांग को पूरा किया और 29 जून भामाशाह दिवस को व्यापारी दिवस घोषित कर दिया। इसलिए इस बार हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं कि केंद्र की सरकार 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित करे। इसलिए पूरे प्रदेश में इसकी जोर शोर से मांग भी की जा रही है और भव्य रूप से इस कार्यक्रम को मनाया गया। गीत संगीत के साथ समाज सेवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभूतियों को आज इस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। ऑनलाइन शॉपिंग के लगातार जन जागरण अभियान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चला रहा है। हर जिले में व्यापारियों से कह रहा है कि पहले अपने घर से शुरुआत करें, आपके घर की महिलाएं बच्चे किसी प्रकार का ऑनलाइन खरीददारी मत करें। जब आप नहीं खरीदेंगे तो अपने आप ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगेगी। संदीप शुक्ला वरिष्ठ जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज हम लोगों ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का 31वां स्थापना दिवस मनाया है जिसमें पूरे शहर एवं जिले से सभी इकाइयों के अध्यक्ष महामंत्री उनकी टीम आई थी और हम लोगों ने एक साथ मिल करके अपना 31वां स्थापना दिवस को माननीय संदीप बंसल जी के अथक प्रयासों से जो संभव पाया हम लोगों ने आज उसको मनाया है। इसमें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छे काम करते हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। आज हम लोगों ने इसी के आयोजन में हम लोग यहाँ पे आए थे।